Hey, y'all, come look at this. देखिए दोस्तों, आप सबको मालूम है मैं इस तरह के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट ये वाला मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ बोलना पड़ेगा। तो मन की फीलिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कौन सही है कौन गलत है ये आप सब लोग डिसाइड कर लें, और आपको मालूम भी होगा कि इस पूरे केस में गलत कौन है। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था लखनऊ का, तो हुआ यूँ कि आपने भी वो वीडियो देखा होगा, वो क्लिप आपने देखी होगी जहाँ पे एक छोटी सी लड़की उछल उछल के थप्पड़ मार रही है, कूद कूद के थप्पड़ मार रही है। अब उसको ये नहीं पता कि सामने वाला अगर एक थप्पड़ मार देगा तो मुंह से झाग निकल जाएंगे, गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वो जो लड़की है उसका नाम प्रियादर्शनी यादव है और वो लखनऊ की रहने वाली है, उम्र 27 साल है। कहने को तो ग्रेजुएशन किया हुआ, लेकिन हरकतें, अब उसमें आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर आपने क्लिप देखी है, थोड़ी सी क्लिप में लगा सकता हूँ, यहाँ पे पूरी लगाऊंगा तो कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं। तो वैसे वो कहने को मैरिड है, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो उसके खिलाफ जो है, उसने ड्राइवर ने बाद में, जो कैब ड्राइवर है उसने उसके खिलाफ जो है दर्ज कर दी है। अब देखते हैं आगे इस केस में क्या होगा। तो सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग उसके साथ हैं, ड्राइवर के साथ हैं, उस लड़की के साथ नहीं है, क्योंकि लड़की के साथ तो वहाँ पे भी नहीं थी जब वो उसको मार रही थी। आपने भी देखा हो कि पब्लिक हमेशा लड़कियों का साथ देती है, लेकिन इस केस में उसने साथ नहीं दिया क्योंकि उनको मालूम है कि ये लड़की यहाँ पे गलत है जो इसको लगातार ऐसे मारे जा रही है। वरना आज तक की लाइफ में मैंने देखा है कि कोई लड़की अगर गिर जाए, चोट लग जाए, किसी को एक थप्पड़ मार दे या लड़ाई कर ले या डांट दे, तो कम से कम 10-20 लड़के आसपास के भाग के आते हैं उसको पीटने के लिए जो उसके अगेंस्ट हैं। तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सबको पता है कि भाई यहाँ पे लड़की की गलती है, बीच में आए उसको बचाने। वो बेचारा दीदी दीदी करता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, उस लड़की ने नहीं सुनी, और लगभग 20 से 22 थप्पड़ कूद कूद के मारे जैसे वॉलीबॉल चल रही है। तो ये देख के बड़ा बुरा लगा मुझे, सही बताऊं तो, कि उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। फिलहाल में चलिए उसकी तो FIR हो गई है, अब देखते हैं इस केस में आगे क्या होगा। एक चीज़ और होती है कि दोस्तों, बदलाव आप देखिए, बदलाव का मीन्स ये है कि जो अपनी उम्र के लोग हैं, जो पहले के पढ़े लिखे लोग हैं, वो रास्ते में उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो आपस में समझौता करते हैं, गाली गलोच नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते हैं। लेकिन आज के लड़के और लड़कियां अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जिनकी उम्र अभी 20 साल है, 22 साल है, इतना सा टच होने पे वो इतनी लड़ाइयां करते हैं, बेल्टों से पीटते हैं, डंडे से पीटते हैं। मैं हाल फिलहाल में देखता हूँ यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस चलती हैं, तो क्या हाल होता है, छोटी छोटी बातों पर उनके अंदर इतनी ज़्यादा अकड़ होती है, तो ईगो लोगों की इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसके अंदर भी ईगो का ही सारा मामला लग रहा है। बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो सभी लोग, आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो कितना वायरल हुआ है, तो सभी लोगों ने जस्टिस फॉर कैब ड्राइवर लिखा हुआ है, सभी लोग जो है जस्टिस मांग रहे हैं उसके लिए। और आप लोग को लगता है कि वो लड़की सही है और आप लड़की के साथ हैं, तो दोस्तों आप गलत हैं इस वाले केस में। सबसे ज़्यादा भसड़ तो इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ने बनाई हुई है आज के टाइम में, आप देखेंगे वहाँ पर लड़के लड़कियाँ कैसे हैं, वो लड़कियाँ कैसे कैसे फ़ोटोज़ डालती हैं अपने आप को शो करने के लिए, अपने आप के जो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, 3-3, 4-4, 5-5 मिलियन हो जाते हैं। जबकि जो अच्छे लोग हैं, जैसे कि सौरभ है जो हमारे कृष्णा जी बने थे, उनके केवल 1 मिलियन फॉलोअर हैं। और जो कोई ऐसी लड़की जिसको कोई जानता भी नहीं है, वो चीज़ें दिखाती है और जो है लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम तो बहुत गंदी चीज़ बनी हुई है आज के टाइम में, और उसको वो अपने आप को बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर समझते हैं। तो दोस्तों बस, बाय, जय हिंद।